वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली राजा रियाज की मुलाकात आज फिर शेड्यूल है। मुलाकात कब तक होगी मजीद जानेंगे। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है यासिर नज़र ने। यासिर बताइएगा मुलाकात का शेड्यूल क्या है और निगरान वज़ीर आज़म पर फैसला होने का इम्कान कितना है? जी बिल्कुल, आज क्योंकि रस्मी तौर पे ये बताया गया है कि आज मामला जो है वो रस्मी शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। आज निगरान वज़ीर आज़म के लिए बाकायदा तौर पे जो शेड्यूल मुलाकात है वो आज फिर दोबारा होगी और इस पे कल क्योंकि ज्यादातर हमें ज़राए ने कंफर्म किया था कि इस चीज पे एग्री हो गए थे कि जो छोटे सूबे हैं इनसे वज़ीर आज़म जो है वो बनाया जाए। इस पे जो है काफी ज्यादा जो पार्टीज हैं पार्लियामानी रहनुमा जो सबका थे और पार्टी सरबरान जो थे वो भी इस चीज पे एग्री दिखाई देते। अब इस हवाले से रस्मी मुशावरत जो है वो आज होनी है और इस पे तवक्को यही की जा रही है कि आज मामला जो है हतमी शक्ल इख्तियार कर जाएगा क्योंकि अब कुछ नए नाम शुरू में जिनको वज़ीर आज़म बनाए जाने का नाम सामने आए थे लेकिन उसके बाद फिर कुछ ऐसे नाम सामने आए जैसे सादिक सिंजरानी हैं वो अब खासे क्योंकि एहसन इकबाल ने भी रात को तस्दीक की है कि वो उनका नाम भी इस दौड़ में शामिल है और ये भी बताया जराए ने कि इस वक्त वो सबसे फेवरेट समझे जा रहे हैं और उन्हें खासी लॉबिंग भी की है। तो इस तरह अब हतमी तौर पे जो वर्किंग है वो अब मुकम्मल है और आज तवक्को की जा रही है कि इस मामले को हतमी शक्ल दी जा सकती है। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात आज एक बार फिर शेड्यूल है। अपडेट कर रहे थे यासिर, बहुत शुक्रिया।